हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए। सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, बाकी लोग पढ़ नहीं रहे तो अच्छी बात है। बायोलॉजिकल डेटाबेस, डेटाबेस इज व्हाट? डेटाबेस क्या होता है? नाम में समझ में आ रहा है, डेटाबेस स्टोर्स द बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, स्टोर्स द बायोलॉजिकल डेटा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बायोलॉजिकल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। बस अगर मैं पूछता हूँ कि समझ में आ रहा है तो बता दोगे कि समझ में आ रहा है, तो मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि चलो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास दो घंटे में बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे अगर आप लोग समझते रहोगे या साथ देते रहोगे। तो डेटाबेस समझ में आ रहा कि क्या होगा, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नॉन रिडंडेंसी। क्या होना चाहिए? नॉन रिडंडेंसी होना चाहिए। नॉन रिडंडेंसी का मतलब है नो डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री नंबर। अगर एक जीन एक बार एंट्री हो गई तो दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार एक जीन की एंट्री हो गई तो दोबारा नहीं होना चाहिए। डेटा शेयरिंग होना चाहिए, डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे पड़ा रहा है, बाकी दुनिया को पता नहीं कि डेटा कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्ट्रक्चर्ड, सर्चेबल एंड अपडेटेड पीरियोडिकली एंड क्रॉस रेफरेंस्ड। क्रॉस रेफरेंस भी होता है, उसको बार बार चेक किया जाता है कि चीजें सही है या नहीं है। ठीक है, डेटाबेसेस के नाम पे आपने तीन डेटाबेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, जैसे कि एनसीबीआई का नाम सुना हुआ है, एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर द नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, डीडीबीजे डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, ईबीआई यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, या इसको बोलते हैं ईएमबीएल यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी डेटाबेसेस। ये कुछ बहुत प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने सुना होगा। चलो वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इससे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन डेटाबेस का एग्जांपल क्या होता है। अब डेटाबेस देखना कि डेटाबेस दो तरीके से हो सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर सोर्स के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डेटाबेस को डिवाइड करते हो, तो ये डिवाइड होता है आपके कितने पार्ट में, दो पार्ट में, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है डायरेक्टली लैब से इसमें डेटा को पुट किया जाता है। प्राइमरी डेटाबेसेस में डायरेक्ट जो लैब में डेटा आता है, जो रिसर्च पेपर्स में डेटा आता है, वो डायरेक्टली आपको प्राइमरी डेटाबेस में दिया जाता है। और सेकेंडरी डेटाबेस जो होते हैं प्राइमरी से डिराइव्ड होते हैं। प्राइमरी से डिराइव्ड डेटाबेसेस को सेकेंडरी डेटाबेस बोलते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी। उसके बाद बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, डेटा का नेचर क्या है, यहाँ पे सोर्स क्या है डेटा का, यहाँ पे नेचर क्या है। नेचर हो सकता है कि वो सिक्वेंस हो, सिर्फ डीएनए का सिक्वेंस, डीएनए का प्रोटीन का सिक्वेंस हो, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंस डेटाबेस। सिक्वेंस में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का अगर सिर्फ सिक्वेंस है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस डेटाबेस, वो भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्रोटीन का भी सिक्वेंस डेटाबेस हो सकता है, कलेक्ट करके रखे जाते हो। उसके बाद बात करता हूं मैं लिटरेचर डेटाबेस। ठीक है, लिटरेचर डेटाबेस, लिटरेचर का मतलब जहां पे आप पमिट का नाम सुने हो, कभी भी कुछ सर्च करते हो, सर एनसीबीआई पे ये मिला, कभी ऊपर देखना है एनसीबीआई का, अभी मैं एक स्नैपशॉट आपको दिखाऊंगा। तो पबमेड सेंट्रल, एक पबमेड, पबमेड सेंट्रल होता है जहां पे कि लिटरेचर पेपर्स, रिसर्च पेपर्स रखे जाते हैं, दैट इज व्हाट द लिटरेचर डेटाबेस। जीन एक्सप्रेशन बेस, ऐसे जीन जो कि एक्सप्रेस करते हैं, जीन एक्सप्रेशन बेस, ऐसे ऐसे डेटाबेस जो कि मेटाबॉलिक पाथवे को रखते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेसेस। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेसेस। समझ में आया क्लासिफिकेशन? वन बाय वन लेके चलूं एग्जांपल के साथ? ठीक है, चलो लेके चलने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी डेटाबेस में प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, जो मैंने अभी तीन डेटाबेसेस बताए वो डीएनए के डेटाबेस है, न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेस है और प्राइमरी है। जैसे कि एनसीबीआई जहां पे पाया जाता है जेन बैंक, क्या पाया जाता है जेन बैंक, आपने सुना होगा जेन बैंक, ईएमबीएल एंड डीडीबीजे। जेन बैंक पाया जाता है एनसीबीआई पे, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ईएमबीएल को बोलते हैं यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, ये पाया जाता है ईबीआई दैट इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट पे।
है। जेन बैंक में जो रिट्रीवल टूल होता है, अभी मैं बताऊंगा रिट्रीवल टूल के बारे में, एंट्रेज होता है और ईएमबीएल में एसआरएस होता है, क्या होता है ये सारी चीजें अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। एंड डीडीबीजे के बारे में बात करता हूँ, डीडीबीजे डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, ये सारे तीनों के तीनों मेजर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस जो होते हैं एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि डेटाबेसेस का मतलब है कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए और शेयरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो जेन बैंक के पास है वो डीडीबीजे भी एक्सेस कर सकता है, और जो डीडीबीजे के पास है वो जेन बैंक ईएमबीएल सब एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द शेयरिंग। समझ में आई बात? याद रखना क्या है यहाँ पे, तीन इंपॉर्टेंट, जेन बैंक, ठीक है, जेन बैंक ईएमबीएल एंड डीडीबीजे, ठीक है, जेन बैंक ईएमबीएल एंड डीडीबीजे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस जो होते हैं आता है पीआईआर। क्या आता है? पीआईआर, प्रोटीन इंफॉर्मेशनल रिसोर्स। क्या नाम होता है इसका? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसके कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, पीआईआर 1, पीआईआर 2, पीआईआर 3, पीआईआर 4। पीआईआर 1 का मतलब होता है, पीआईआर 1 का जो मतलब होता है दैट इज व्हाट द फुल्ली क्लासिफाइड एंड एनोटेटेड प्रोटीन्स होते हैं। पीआईआर 2 का मतलब होता है प्रीलिमिनरी प्रोटीन्स है। एंड पीआईआर 3 का मतलब है यूनिवर्स, कहते हैं कि यूनिवर्सिफाइड एंट्रीज होते हैं, ठीक है, अनवेरीफाइड, सॉरी नॉट यूनिवर्सिफाइड, अनवेरीफाइड एंट्रीज होते हैं यहाँ पे PIR3 का मतलब जो होता है। और PIR4 जो होता है वो होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं किसके? PIR के, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के। इसके और एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, स्विस प्रॉट। स्विस प्रॉट, यहाँ पे प्रॉट का मतलब होता है प्रोटीन। स्विस प्रॉट का क्या मतलब है? स्विस प्रॉट का मतलब है प्रोटीन। स्विस प्रॉट का मतलब ये है, प्रोटीन प्रॉट किया है, और ये पाया जाता है ईएमबीएल पे। पीआईआर जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? एनबीआरएफ, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। कहाँ पाया जाता है? नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन पे पाया जाता है। और स्विस प्रॉट ईएमबीएल पे पाया जाता है, जो कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज में होता है। इसके साथ एक ट्रांसलेटेड प्रोटीन जो होते हैं TREMBL होता है, कंटेंट्स ऑल द ट्रांसलेटेड सिक्वेंसेस, ये करता है, या NRL3D। जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो याद रखना है प्रोटीन सीक्वेंस के लिए जो होते हैं PIR एंड द स्विस प्रॉट। इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी डेटाबेसेस, ठीक है, सेकेंडरी, या इसको बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डिराइव्ड डेटाबेस, जो डिराइव्ड होता है प्राइमरी से। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी, डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी, डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी, प्राइमरी से ये डिराइव्ड होता है, प्राइमरी से डिराइव्ड होता है। सो प्राइमरी से डिराइव्ड होता है तो न्यूक्लियोटाइड में कौन एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे यूनिजीन, एनसेम्बल, ठीक है, एनसेम्बल होता है ईबीआई जीनोम्स। यूनिजीन एनसीबीआई का सेकेंडरी डेटाबेस है, सेकेंडरी डेटाबेस है यूनिजीन एनसेम्बल ईबीआई जीनोम्स। ये न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस है, सेकेंडरी है मतलब डिराइव्ड है, सेकेंडरी डेटाबेसेस है। प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेस जैसे TREMBL, ट्रांसलेटेड ईएमबीएल, ट्रांसलेटेड एमबीएल, ये जो मैंने ट्रांसलेटेड ईएमबीएल लिखा है दिस इज व्हाट अ सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, इसको करेक्ट यहाँ पे मत इंक्लूड करेगा, इसीलिए मैंने बताया नहीं वहां पे। ट्रांसलेटेड ईएमबीएल जो होता है ये आपका सेकेंडरी होता है। पीफैम, जिसको नाम से ही क्या, प्रोटीन फैमिली, प्रोटीन फैमिली, पीफैम जो होता है वो आपका प्रोटीन सिक्वेंस डेटाबेस है। उसके अलावा प्रोसाइट, प्रोसाइट इज अ पैटर्न डेटाबेसिस, आया हुआ क्वेश्चन है पैटर्न डेटाबेसिस, क्या है ये पैटर्न डेटाबेस है, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये पैटर्न डेटाबेस है, पैटर्न डेटाबेस प्रोसाइट होता है। और होता है प्रिंट्स, प्रिंट्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन फिंगरप्रिंट डेटाबेसेस होते हैं। प्रिंट्स जैसे फिंगरप्रिंट है तो नाम से ही आप रिलेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट द फिंगरप्रिंट या प्रोटीन प्रिंट डेटाबेस। नाउ आप देख रहे होगे कि जितना आपका प्रोटीन सीक्वेंसेस के आसपास है वो ज्यादातर पी से रिलेटेड है, ज्यादातर पी से रिलेटेड ही होंगे। पी फैम, प्रोसाइट, प्रिंट्स, ये सारी चीजें हैं। और एक ट्रांसलेटेड ईएमबीएल, जो कि ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेटेड है ईएमबीएल, तो ये प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? दिस इज द सेकेंडरी डेटाबेस। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।